हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको एक महीने तक पीरियड्स नहीं आए तो आपको क्या करना चाहिए और ये किस वजह से होता है कि आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। तो मैं हूं निदा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स अगर आपको एक महीने तक नहीं आते हैं तो ये हर किसी के लिए चिंता वाली बात है। या फिर आपको 15 दिन हो गए हैं अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, आपको 10 दिन ज़्यादा हो गए हैं अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पीरियड्स लेट होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो। सभी को पता है कि प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव किया है तो आप हमेशा टेस्ट ज़रूर लगाती हैं। तो अगर सेक्सुअली आप एक्टिव हैं तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर लगाएं। अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, आपको एक महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं या फिर 15 दिन से पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आप अगर एक्टिव हैं तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लीजिए। आपको कंफर्म हो जाएगा कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो आपको किस वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपके पीरियड्स रुक गए हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, लेडीज़ जब कंसीव करने की प्लानिंग नहीं होती है लेकिन फिर भी इंटीमेट जब होती हैं तो उनको, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से आपको आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं। दूसरी चीज़, आपको क्या होता है जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं तो आपको इसकी वजह से एक तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से आपके पीरियड्स में हमेशा प्रॉब्लम हो सकती है। या तो पीरियड्स आपको 2 बार भी आ सकते हैं, ये महीने में 2 बार या 3 बार भी हो सकते हैं, या फिर आपके पीरियड्स लेट हो जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक लेट हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे तो उसके अलावा आपको PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इसमें आपके ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आपने हैवी एक्सरसाइज किया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है या फिर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, आप एनीमिक हैं, तो भी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। तो अगर आपको, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये पता लगाना है कि आपके पीरियड्स लेट हुए क्यों हैं। एक महीने तक पीरियड्स नहीं आए हैं, 15 दिन तक पीरियड्स नहीं आए हैं, तो ऐसे में आपको हमेशा ये पता लगाना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना ज़रूरी है। आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर लगाएं, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपको और भी वीडियो में बताया है, आपको आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से किट लाएं। किट में आपको 2 ड्रॉप्स यूरिन की डालनी है और उसमें आपको देखना है कि 2 पिंक्स लाइन आ रही है या नहीं। 2 पिंक्स लाइन आ रही है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। अगर नहीं आ रही है तो आपका टेस्ट नेगेटिव है। दूसरी चीज़ आपकी क्या है कि जब आपने टेस्ट कर लिया और आपको लगा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं हैं तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड यानी कि गांठ हो सकती है, या फिर आपको इसके अलावा आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हो, कुछ भी कारण हो सकता है, तो आपको हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके अलावा डॉक्टर आपसे क्या कहेंगे, देखिए, या तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आपका एक अल्ट्रासाउंड होगा जो आपका लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के नीचे के हिस्से का आपका अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी किया जाता है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है पीरियड्स किस वजह से नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप पीरियड्स लाना चाहती हैं तो उसमें आप टैबलेट ले सकती हैं प्रीमोल्ट एन। ये टैबलेट आपको 5 डेज लेनी है और 5 डेज में आपको इसमें पीरियड्स आ जाए, अगर आपको बीच में 5 डेज के बीच में ही पीरियड्स आ जाता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, अगर नहीं आता है तो 5 डेज आप रेगुलर इस टैबलेट को लीजिए, इससे आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये तो हो गई टैबलेट पीरियड्स लाने के लिए। इसके अलावा आप घरेलू उपाय अपना सकती हैं, जैसे कि आपको 1 गिलास गर्म पानी में आपको आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच उसमें ड्राई जिंजर पाउडर सौंठ जिसको बोलते हैं वो डाल करके आपको, और उसमें नमक जैतून आता है एक, वो आप डाल सकती हैं 1 चुटकी, तो उसको आप अगर सुबह खाली पेट पियेंगी तो उससे आपको आसानी से पीरियड्स आ जाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, और आपको रेगुलर पीरियड्स अगर हम
हमें अगर ऐसा हो रहा है कि आपको 1-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आए हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।